नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं नितिन शर्मा, हम यहां मौजूद हैं कृषि उपज मंडी में। आज हम यहां कृषि उपज मंडी में सरसों के भाव की जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं। अब हम आपको यहां पर जो स्थानीय जो व्यापारी हैं उनसे हम यहां जानकारी करते हैं कि उन्होंने आज कितनी सरसों मंडी में आवक है, कितने कट्टे बिके हैं, क्या भाव है। जी जी सर, क्या नाम है? धर्मचंद मामोड़िया। बताइए, आज मंडी में कितनी? आज मंडी में 15,000 कट्टे की आमद। क्या भाव है? भाव है 5,300 रुपए। 5300। कहाँ कहाँ से सरसों आ रही है? देहातों से आती है, मंडियों से खेली वेली मंडी भी आई है आज तो। अच्छा, तो कहाँ कहाँ जाती है ये सब मिलों में जाती है अलवंडों में। कल क्या भाव थे? कल 55 के भाव थे, आज 50 रुपए प्लस है। अच्छा, अभी होली के बाद में मार्केट उठने की उम्मीद है? विदेशी बाजार तेज है इसलिए उठेंगे। अच्छा, तो अभी क्या स्थिति नजर आ रही है सरसों में? अच्छी स्थिति है और होली बाद और तेजी आएगी, 5,500 हो जाएगी होली बाद। कैसी क्वालिटी की आ रही है? बढ़िया क्वालिटी है। अच्छा, मोटा दाना जो है लगातार आ रहा है सरसों का यहाँ पर मंडी में? जी हाँ, अरे 42 लेबादी है। अच्छा, नीचे में सरसों क्या भाव है, ऊपर में क्या है? नीचे में भाव 5,000 है, ऊपर में भाव 53 है। अच्छा, तो लगातार सरसों की आवक है, मतलब लगातार आवक है। जी, हमारे साथ में यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं वो मौजूद थे। अब हमारे साथ में यहाँ किसान भाई जो है जो खेतों से अपनी फसल को लेकर यहाँ पहुंचे हैं, अब हमसे उनसे जानते हैं कि वो किस तरह यहाँ सरसों लेकर आए हैं, कितनी सरसों लेकर आए हैं, क्या उनको भाव आज के मिले हैं। जी, क्या नाम है आपका सर? लेखराम। कौन से गाँव से आए हैं? नाकचपर। कितनी सरसों लेकर आए हैं? मैं 9 कट्टा लेकर आया हूँ। अच्छा, अब की बार क्या लागत बैठी थी आपकी? की बार पानी वानी कम लगाई है, पानी लगो नहीं, कितनी लागत बैठ गई? लागत तो साहब आधो बांटो हुए। अच्छा, तो कितने बीघा में आपने किया था सरसों का? 1 बीघा की। अच्छा, 1 बीघा में कितनी सरसों? 9 कट्टा। 9 कट्टे निकले। तो आज यहाँ क्या भाव मिला है आपको? अभी भाव का तो पता लगेगा, अभी लेके पहुंचे। अच्छा, तो मतलब ठीक ठाक भाव मिल रहे हैं पिछली बार की तुलना में? आपकी बात देखो साहब, अब पता लगे वो भाव बिकेगी। नहीं, पिछली बार भी सही भाव बिकी थी पिछले साल। हाँ, अब और अब तो सस्ती बता रहे हैं। पिछले साल तो 51-52-53 तो पहले साल बिक गई। अच्छा, अब की बार मंदा है। हाँ, तो मतलब खर्चा भी लागत निकल रही है? नहीं निकल रही। अब यहाँ कहाँ निकलेगी लागत? मोल को पानी, मोल को बीज, मोल को खाद, सब काम भाड़ो बट्टो। अच्छा, तो 9 कट्टे लेकर आए। हाँ जी, हमारे साथ में यहाँ किसान जो थे वो मौजूद थे, उनसे हमने बात की। उन्होंने बताया कि मैं 9 कट्टे लेकर यहाँ पहुंचा था, 1 बीघा में उनके यहाँ 9 कट्टे जो है सरसों का उत्पादन हुआ था। लेकिन उनका कहना यह है कि जो पिछली साल जो उनके भाव जो उनको 5,300 के समथिंग जो पिछली साल भाव मिले थे, लेकिन अब की बार उनको भाव कम मिले हैं। ऐसे में अब आगे जो किसान भाई है वो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि होली के बाद हो सकता है कि लगातार सरसों की जो बाजार में कोई तेजी बनी, जिसके कारण से उनके भाव जो है उनको अच्छा सा मिल सके। ऐसे में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ किस तरह से सरसों के जो ढेर हैं वो नजर आ रहे हैं। जगह जगह सरसों के ढेर हैं, जगह जगह व्यापारी जो हैं उनके दुकानों के बाहर ढेर लगे हुए हैं। ये इधर हम पीछे दिखाएंगे कि किसान भाई मंडी में यहाँ सरसों लेकर आए हैं। लगातार सामने गाड़ियाँ भी लोड हो रही है, जो यहाँ से मंडी से जो सरसों है वो सीधी मिलों में जा रही है। मिलों में जाने के बाद में वहाँ से जो तेल है वो लगातार तेल जो है वो वहाँ से पैक होने के बाद में बाजार में आएगा। अब हम सवाल ये करते हैं कि कल जब हम मंडी में आए थे तो हमको यहाँ कुछ और भाव मिला था, कल कुछ कम भाव थे, लेकिन आज 50 रुपये प्लस में यहाँ सरसों का जो है भाव जो है वो अच्छे हैं। लेकिन बस ये है कि किसान का जो है खर्चा लागत है वो किसान चाहता है कि सही समय पर निकलनी चाहिए। नितिन शर्मा, अलवर।